नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सिकंदराबाद एसी दुरंतो स्पेशल ट्रेन के बारे में, जो कि 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दुरंतो स्पेशल ट्रेन के बारे में, जिसका पूरा नाम है ट्रेन का मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सिकंदराबाद वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस, यानी कि एसी दुरंतो स्पेशल ट्रेन है। और ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सिकंदराबाद जंक्शन हैदराबाद के बीच में चलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर बुधवार और शनिवार को ये ट्रेन जो है सिकंदराबाद के लिए रवाना होगी और 11 घंटे 55 मिनट में अपनी दूरी जो है कवर करेगी मुंबई से सिकंदराबाद की। और इसके तकरीबन 4 स्टेशन हैं और 770 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 65 किलोमीटर पर आवर। कोविन रिजर्व ट्रेन है और इसे साउथ सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है ऑपरेट करता है। इसका वैसे ट्रेन नंबर है 02236। ये वैसे नॉर्मली दुरंतो एक्सप्रेस के नाम से चलती थी, अब दुरंतो स्पेशल ट्रेन के नाम से चलेगी क्योंकि कोरोना की वजह से इसे स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाया जा रहा है। अगर इसके टिकट किराए के बारे में बात करें तो मैं जो अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ वो IRCTC की वेबसाइट का दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रेन है 27 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी 2021 से, और मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सिकंदराबाद तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इस ट्रेन में यानी कि मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सिकंदराबाद दुरंतो एसी दुरंतो स्पेशल ट्रेन में फर्स्ट एसी के कोच होंगे, जिसका किराया जो है 3160 रुपये है, जो कि मुंबई से सिकंदराबाद का बता रहा हूँ, जिसमें 2874 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 75 रुपये है और GST चार्ज जो है वो 151 रुपये है। टोटल किराया इसका मैंने आपको बता ही दिया है। और इसके अलावा इस ट्रेन में सेकेंड एसी के कोच भी होंगे। सेकेंड एसी का मुंबई से सिकंदराबाद तक का जो टोटल किराया है वो है 2055 रुपये, जिसमें 1862 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज जो है 98 रुपये है और टोटल किराया जो है वो 2055 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो किराया बनता है मुंबई से सिकंदराबाद तक का वो है 1475 रुपये, जिसमें 1319 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 71 रुपये है और टोटल चार्जेस जो है 1475 रुपये बनते हैं। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया है, क्योंकि IRCTC की वेबसाइट से मैंने देख के ये किराया आपको बताया है। आप ये किसी भी रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सिकंदराबाद एसी दुरंतो स्पेशल ट्रेन में ये जो ट्रेन है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से हर बुधवार और शनिवार को रात के 11:05 पर ये रवाना होगी और इस 11 घंटे 55 मिनट बाद ये ट्रेन जो है सिकंदराबाद जंक्शन हैदराबाद में पहुंचेगी और इसके तकरीबन 4 स्टेशन से 770 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगी। और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 65 किलोमीटर पर आवर। लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाद ये जो ट्रेन है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सिकंदराबाद एसी दुरंतो स्पेशल ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन महाराष्ट्र के पुणे जंक्शन में पहुंचेगी। रात के 2 बजे पहुंचेगी और 2:05 पर वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहां तक की जो दूरी है 172 किलोमीटर के करीब जो है ये मुंबई से पुणे तक कवर कर चुकी होगी। इसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सिकंदराबाद एसी दुरंतो स्पेशल ट्रेन जो है वो अपने तीसरे और महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन सोलापुर महाराष्ट्र में सुबह 5:57 पर पहुंचेगी और 6 बजे सुबह वहां से रवाना हो जाएगी। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। मुंबई से सोलापुर तक की जो दूरी है ये ट्रेन 435 किलोमीटर के करीब जो है ये कवर कर चुकी होगी और ये इस ट्रेन का तीसरा स्टेशन है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉप है और सोलापुर स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है SUR। सोलापुर के बाद ये ट्रेन जो है सिकंदराबाद तेलंगाना में पहुंचेगी। महाराष्ट्र से ये ट्रेन जो है तेलंगाना में एंटर करेगी और इसका जो आखिरी स्टेशन है वो है सिकंदराबाद जंक्शन, जो कि हैदराबाद का ही स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 11 बजे पहुंचेगी और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेगी। यहाँ तक की जो टोटल जर्नी है ये 765 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सिकंदराबाद जंक्शन तक कवर कर चुकी होगी और इसका स्टेशन कोड है SC। ये जो ट्रेन है मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ 27 जनवरी से स्टार्ट हो गई है और
आप इसमें अभी बुकिंग जो है करवा सकते हैं और हर बुधवार और शनिवार चलेगी ये मुंबई से सिकंदराबाद के बीच में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं या अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अन्य वीडियोज़ बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।